हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं राजनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड ऑफिशियल ट्रेलर। अच्छा, और इसमें है जिमी शेरगिल अच्छा, और लारा दत्ता। अच्छा, ये वेब सीरीज है। ओ, मुझे लगा मूवी आ रही है और उसका ट्रेलर आ रहा है। वेब सीरीज का ट्रेलर है ये। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी बनाई है, पसंद आती है नहीं आती है, देखने वाली है कि नहीं है। चलो, 25 अप्रैल आज क्या डेट हो गई, आ गई है क्या? हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सीआरपीएफ की टीम पर एक आतंकी हमला हुआ है। ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। वी नीड समथिंग टू हिट देम डायरेक्टली एंड टू हिट देम नाउ। हाइब्रिड वॉर्स का जमाना है। If it's in the news and it's on social media, then it's real. हमें वो जंग लड़नी चाहिए जो हम कई मर्तबा जीत रहे हैं। The war of narrative. ये पाकिस्तान दिखाया होगा। इस बार हमारी ऑडियंस होगी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, और वो वही देखेंगे जो हम दिखाएं। We cannot be a mute spectator now. They try to attack us directly. हमें सिर्फ उन्हें डराना है कि हम अटैक कर सकते हैं। इन पे वी डोंट वांट वॉर इन इंग्लिश एंड उर्दू। अपलोड करो और ट्रैक करवा। इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तान परेशान है इस दहशतगर्दी से। जख्मी आप भी हैं पर इलाज की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। टेररिज्म के दम पे मासूमों की जिंदगियों को खतरे में डाल के क्या मिलता है तुम लोगों को? आग लगाने वाला शायद ये नहीं जानता कि जो आग चलती है वो आग जला भी सकती है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती सर, इसीलिए तो हम हैं। भैया आ चुकी है, मैं तो देखूंगी। और वेब सीरीज है पर क्वालिटी मूवीज की तरह लग रही थी, क्योंकि एक्टर्स भी सारे मोस्टली वही थे जो मूवीज में आते हैं, तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं वेब सीरीज देख रही हूँ। कंफ्यूजन हो रही थी, वेब सीरीज देखती हूँ कि कोई मूवी बॉलीवुड वाली देख रही हूँ। पर देखो कंटेंट तो अच्छा इन्होंने चूज किया है, वो तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट अब ये चेंज तो देखने को मिल रहा है कि उन्हें अब ये पता है कि कंटेंट जो है देशभक्ति का बनाओ, उस टाइप से इंडियन कल्चर के ऊपर या हमारे उसके ऊपर बनाओ, तो वो अब तो चेंज दिखने को मिल रहा है। मैं तो यही सोचता हूँ कि बेचारे जिन एक्टर्स को पाकिस्तान का दिखाना पड़ता है उनको बड़ा दुख होता है यार, क्या रोल मिला है पाकिस्तान का दिखाना पड़ रहा है। क्योंकि उनको तो नफरत ही मिलेगी जब हम उनको देखेंगे। मेरे को तो जैसे बेचारे जो एक्टर्स हैं उनको बड़ा फील होता होगा यार, हमें क्यों बोल दिया हमारी शक्ल क्या पाकिस्तान। जितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे उतनी ज्यादा हेट मिलेगी हमें। वो तो है, और जो इंडिया के साइड से दिखा रहे थे वो तो अच्छा लग रहा था उनको देखकर। और मैं तो ये भी सोच रही थी कि वेब सीरीज से जो कई एक्टर्स हैं जो आए थे बॉलीवुड के अंदर पर इतना चल नहीं पाए या उस टाइप से, उनको अब मौका मिल रहा है। अब जैसे जिमी शेरगिल है, वो कितना उसने कोशिश की थी बॉलीवुड में पर वो मतलब चल नहीं पाया, पर एटलीस्ट एक्टिंग अच्छी करता है तो इसमें अब मौका तो मिल रहा है। और क्वालिटी ऑफ वेब सीरीज भी बेटर हो रही है इससे, क्योंकि क्योंकि वो एक्टर्स को अब अपॉर्चुनिटी मिल रही अच्छा है, बजट लगा रहे हैं बिल्कुल मूवी की तरह बनाई हुई थी। और ये स्टेप हो रहा है, टू बी फ्रैंक यूएस में काफी स्टेप हो गया था 10 साल पहले कि मैंने कुछ सीर देखे थे वेब सीरीज, मेरे को लगा था बायकॉट तो पूरे मूवी की तरह है, तो ये चेंज आ गया था। सिमिलर अब चेंज लग रहा है आ गया है कि आपको लगेगा कि हर वीक या जब भी आती है कि मूवी देख रहे हैं आप। नहीं, 25th को आ भी चुकी है यार, घंटे की तो एक घंटे का तो होगा इसे, एक ही बारी में देखनी हमने। छोटा छोटा करके नहीं देखूंगी। वेट करिए कि सारे 9 के 9 जितने भी 10 ये सारे इकट्ठे ही लगाते हैं मेरे ख्याल से, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। बताओ सारे इकट्ठे ही लगे होंगे कि एक एक हर हफ्ते लग रहा है यहाँ पर,
ये फिर नहीं मजा आएगा, फिर तो वेट करना पड़ेगा। दस के दस जो है लग सारे के साथ लग जाते हैं, बताना, क्योंकि मैंने तो जब भी देखे हैं या तो मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ इसलिए सारे लग गए होते होंगे, फिर मैं तो एक के बाद एक के बाद एक देख देती हूँ। तो ये भी अच्छी लग रही है। और ये किस में आ रही है? जियो सिनेमा लिखा हुआ है, तो ये जियो सिनेमा कोई चैनल है क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स और वो कौन सा है, अमेजोन प्राइम, उसमें आ रही है कि जियो सिनेमा भी कोई उस टाइप से ऐप है कि उससे देख पाओगे? पर मैं तो देखूंगी, आप बताओ, आप लोगों ने देख ली क्या? अच्छा, आ तो चुकी है तो आप लोगों ने तो देख ली होगी, बताओ कैसी है क्वालिटी? अब इसमें प्रॉपर अच्छे फैक्ट्स दिखाए हैं कि फिर कुछ पाकिस्तान प्यार तो नहीं दिखा दिया, कुछ बीच में दिखा दिया कि नहीं गवर्नमेंट अच्छी? डायलॉग से लगा तो नहीं, कुछ फील तो नहीं हो रहा था इस टाइप से कि कुछ होगा, पर कोई पता नहीं होता ना, शक शक शक। अब आप ये क्या कह सकते हैं, बॉलीवुड ने ना एक वो शक का कीड़ा डाल दिया मेरे अंदर, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती। अच्छी बात यह है कि ये लोगों को याद दिला रहे हैं क्या क्या पाकिस्तान ने किया है, उस बात को याद रखिए। लोग भूल जाते हैं, जो तुम लोगों को सिंपल ऑपरेशन लगता है वो एक्चुअली सिंपल नहीं होता। ये भी थोड़ा दिखाते हैं कि अंदर से बहुत कुछ थॉट प्रोसेस था, बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ हमने किया। ठीक है, कई ट्रू फैक्ट्स हैं, कई थोड़ा फिक्शन होगा, क्योंकि सब कुछ इनको कैसे पता हो सकता है जो मूवी बना रहा है एक्चुअली। मगर ये दिखा रहे हैं कि इसके प्रिपरेशन काफी होती है जो भी इंडियन गवर्नमेंट का। और अभिनंदन भी दिखा था उसके, कैसे पहचाना, क्योंकि बिल्कुल वो जो किया वैसे दिखे। मिग नजर आ रहे थे पुराने वाले जो हमारे पास है, उनके F-16 नजर आ रहे थे, तो उसके इस फाइटर मुझे याद आ रही थी इसको देख के, जब वो सीन्स थोड़े थोड़े दिखा रहे थे ना, जबकि वैसा उस वो टाइप की नहीं थे क्वालिटी जैसे फाइटर में थी जब दिखा रहे थे प्लेन्स के को, पर उससे मुझे फाइटर मूवी फॉर सम रीजन जो है, मैं तो उसको ये सब एपिसोड्स का इतना का इंडिया को हुआ था कि हमारे प्लेन्स को बेटर करना पड़ेगा, उसके बाद राफेल वगैरह आए हैं कि लगा रियली कि हमारे प्लेन्स जो हैं दूसरी कंट्री से बेटर होने चाहिए, इतना पैसा हमारे पास है तो प्लेन्स क्यों नहीं है पाकिस्तान से, तो मैं बहुत आगे होना चाहिए। मोटिवेशन हो रही है तेजस को आगे करने की। अच्छा, और मुझे कमेंट्स में ये भी पता चला कि भाई कौन है पता नहीं जी सिनेमा, वो पता नहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर मूवी या पता नहीं क्या बनाने लग गया है, कि जिन एक्टर्स पाकिस्तानी एक्टर्स को हमने बैन किया हुआ था बॉलीवुड से, करवाया कि नहीं ये करेंगे हमारे यहाँ, वो उनको लेके बना रहा है, पता नहीं मूवी बना रहा है क्या बना रहा है, बताओ ये बात में है क्या कोई दम, सच्ची है ये? तो क्यों बना रहा है ये, और किस वजह से इनको पाकिस्तानी एक्टर्स की इतनी जरूरत पड़ गई, क्या बता? क्योंकि ये तो बड़ी गलत बात है। नहीं, वे पब्लिक को उनको बता देना चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है, ताकि अगर खुद उनमें देशभक्ति नहीं है तो पब्लिक सिखा देगी, देखो अब बन रही है ना ऐसी मूवियाँ, नहीं तो पहले क्या बनता था, और अब देखो चेंजेस तो दिख ही रहे हैं अब हमें कि ये पूरी, अब ये कितने इसमें कितने वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, एपिसोड्स, ये बताना, और आपने देख लिए तो जरूर बताना कि कैसी है, ताकि मैं शुरू, वैसे तो मैंने देख ही लेनी है, अगर मुझे तो पसंद इतनी नहीं आई तो फिर मैं बंद कर दूंगी, पर मैं देखूंगी। मंकी मैन मैंने शुरू की, मुझे तो पसंद ही नहीं, मैं तो बंद कर दी, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था उसमें। फिर हमने वो भी देखनी है, कौन सी है, वीर सावरकर, तो वो भी बताना कि वो कहीं आ गई है क्या किसी प्लेटफॉर्म में, तो अगर आई है तो कहाँ आई है, क्योंकि वो भी मुझको देखनी है। यहाँ पे थिएटर्स में आएगी तो जरूर, थिएटर में नहीं आएगी क्योंकि जा चुकी है, जब वो आई थी तभी नहीं आई थिएटर में, तो अब क्या आएगी, तो यहाँ थिएटर में तो बिल्कुल वो लगी नहीं है, तो वो भी देखनी है मुझको। ऐसी एक दो मूवीज है जिनकी मैं वेट कर रही हूँ कि जब वो आए तो मैं हम भी यहाँ पर देखें। तो चलो यार, बताना जरूर कैसी है ये वेब सीरीज, ठीक है? तो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।